स्वागत है आपका इंडिया सर्च करें चैनल पर। मैं आरोही की कहानी सुना देती हूँ आपको। एक नगर में साहूकार रहता था, उसके सात लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने वहाँ जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर पर आ गई और उधर जब सेह अपनी घुर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने बच्चों को मारा है उसे भी उसी प्रकार का कष्ट हो। तत्पश्चात उस शेह के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसमय काल के मुंह में समाए जाने को देखकर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने आप को तीर्थ स्थान पर ले जा कर के प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे अपना घर और दौलत छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई भी ध्यान नहीं देकर केवल वो चलते रहे। इनमें कुछ भी शक्ति और साहस नहीं रहा तब तक वो पैदल चलते रहे और इस प्रकार से जब वो पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान नहीं दे करके सेह के बच्चों को मार दिया था, इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का पाठ विधि विधान से करोगे तो तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे जो हैं जिंदा हो जाएंगे। लेकिन कभी भी किसी प्राणी को ख्वाब में भी कष्ट देना तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा से उन्होंने अहोई माता के व्रत सेवा करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार से जीवन दया भाव रखते हुए का सर्व कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी सातों पुत्रों ले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग की ओर चले गए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार करने के बाद ही कोई कार्य आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ ओही माता अज करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति प्राप्त होगा। अहो दूसरी कहानी है। एक साहूकार था जिसके सात बेटे थे, सात बहनें और एक बेटी थी। दीपावली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातें बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंदे अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे कोई कोख बंधवा लो मेरे बदले में, लेकिन सबने मना कर दिया। तो छोटी ने सोचा कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जो उनके लड़का होता और सात दिन बाद मर जाता। एक दिन उन्होंने पंडित बुला के पूछा कि मेरी संतान सातवें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, सुरही गाय माता की भाईली है, वह कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय की सेवा करके आ जाती। तो गौ माता बोली कि मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता सुबह उठी तो देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता, शाहू माता, तुम्हारी शाहू बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास लेकर के उसको चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया।
थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर सहू की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांगो, क्या मांगती हो? तो वह बोली, सात समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे तुम उसके पास पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे साथ बेटे और बहू होंगी। वो बोली कि मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, साथ कहाँ से होंगे? तो शाहू माता बोली, क्यों, क्या बात है? तो बोली कि वचन दो तो बताऊं। शाहू माता ने वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पे कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो कोनी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे सात बेटे और सात बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, सात ओही बनाकर सात कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा सात बेटा और सात बहुएं हैं। वह बहुत खुश हो गई, उसने सात ओही बनाई, सात उजमन किए और सात कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाके आओ कि अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो चाची कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? तो वह बोली कि तुमने तो कोख नहीं बंधाई थी, सो मैंने कोख बंधा ली। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने वाले तथा सुनने वाले सब परिवार की कोख खोलियो। जय शाहू माता। इस कथा से पहले गणेश जी की कथा सुनने का भी गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। आगे वाले वीडियो में आप देखते रहिए, वीडियो पूरा देखें जिसमें मैंने गणेश जी की भी सुना दी। गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो कहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहती, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगूँ? तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो मैं पड़ोसियों से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जिंदगी मांग ले, क्योंकि मांगे धन और पोता तो तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी कुछ शेष जिंदगी जो है सुख से बीत जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे बहू पड़ोसियों की बात सुनकर सोचा कि जिससे सबका भला हो, बेटे का भी बहू का भी मेरा भी भला हो, तो सभी चीज़ें मांग लेती हूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले कि बुढ़िया बुढ़िया बोलो क्या मांगती हो? तो उसने कहा कि गणेश जी ने कहा, जो मांगोगी सो सब पाओगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने कुछ मांग लिया वह सब तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार कहकर वो अंतर ध्यान हो गए और गणेश जी को बुढ़िया के मांगे अनुसार उन्होंने सब कुछ उसे दे दिया। जैसे उन्होंने बुढ़िया को वचन दिया था, वो सब चीज़ें पूरी हो गई। जिस प्रकार से बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की है, हे गणेश जी भगवान, उसी प्रकार से सभी कहानी सुनने वालों की इच्छा को पूरी करना। जय श्री गणेश, जय ओही माता।